मित्रों जय माता दी। मित्रों आज 23 जनवरी गुरुवार का दिन है। ऐसे में तुला राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन आपको बताएंगे। आपके व्यापार करियर उनसे जुड़े बहुत सारे ऐसे पहलुओं के बारे में जो कि आपके आने वाले दिनों को बेहतर बनाने में काफ़ी लाभकारी सिद्ध होंगे। मित्रों आज आप कौन से क्षेत्रों में कार्य करें जिनसे कि आपको ज़्यादा सफलता आपके मान सम्मान स्कृति में वृद्धि हो सके। आप अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सको इसके लिए आज आप क्या करें क्या ना करें क्या कहते हैं आपके सितारे। आपका लकी कलर लकी नंबर कौन सा रहने वाला है मित्रों आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। मित्रों आज तुला राशि वाले जातकों को बताना चाहूँगा कि आपको आज के दिन कई वित्तीय फायदे हो सकते हैं। आप असीम दौलत के मालिक बन सकते हैं, आय के नए स्रोत बनेंगे। व्यवसायिक संदर्भ में समय आपका काफ़ी अच्छा है, परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे। आपके निजी जिंदगी में भी सब कुछ बढ़िया रहेगा, परिवार और जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि इस समय आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ अलग और सकारात्मक परिणामों की दिशा में गति कर सकते हैं। आज आपकी इच्छाएं पूरी होंगे। व्यावसायिक संदर्भ में महत्वाकांक्षाएं योजनाओं की शुरुआत की जा सकती है। अगर आप उच्च अध्ययन या नौकरी के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो आप निराश नहीं होंगे। आपकी कामयाबी में वृद्धि होंगे, नए संपर्क स्थापित होंगे। आज आप कुछ प्रभावशाली लोगों से मिल सकोगे। यदि आपका पैतृक संपत्ति के संदर्भ में कोई मामला रुका हुआ था या फिर लंबित है तो यह आपके पक्ष में तय किया जाएगा। परिवार में शुभ समाचारों की प्राप्ति होंगे और उत्सव जैसा माहौल हो सकता है। प्रेम संबंध आपके मजबूत रहने वाले हैं। आज का दिन प्रेम संबंधों के लिए काफ़ी अनुकूल रहेगा। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वालों के लिए आज का दिन काफ़ी मिला जुला परिणामदायक रहेगा। कार्यों में आपको बताना चाहेंगे कि कुछ अनावश्यक तनाव भी उत्पन्न हो सकते हैं जिसके कारण आपका मन थोड़ा विचलित हो सकता है। किसी भी प्रकार के व्यापारिक निर्णय जिसमें आर्थिक जोखिम शामिल हो उसके लिए समय उपयुक्त नहीं है। आपको बताना चाहेंगे कि आप इस समय अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर और सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकोगे। प्यार करने वालों के लिए समय काफ़ी सहयोगी रहेंगे। पारिवारिक जीवन में भी समय काफ़ी अनुकूल है। आपको आज के दिन किसी ऐसे प्रोजेक्ट से अप्रत्याशित लाभ मिलेगा जो आपके दिल के करीब है। आपकी वित्तीय स्थिति में भी सुधार संभव है। ऋण पर दिए गए पैसे भी आप जल्द ही वसूल कर सकोगे। उच्च अध्ययन के लिए प्रयासरत छात्रों को वांछित परिणाम मिलेंगे, बशर्ते वे अपने प्रयास कड़ी मेहनत के साथ जारी रखें। व्यापारी कुछ सकारात्मक निर्णय ले सकेंगे। यदि आपके पास कुछ विदेशी संपर्क हैं तो ऐसे मजबूत संकेत हैं कि यात्राएं कर सकते हैं। आपके द्वारा की गई यात्राएं आज सफल रहने वाली हैं। पारिवारिक जीवन आपका शुभ रहेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ आनंदमय समय को बिता सकते हैं। आज का दिन आपके लिए काफ़ी उपलब्धियों वाला रहेगा। आप अपनी महत्वाकांक्षाएं योजनाओं को अंतिम रूप देने में काफ़ी सक्षम रहेंगे। मित्रों आज आपको बताना चाहेंगे कि रुके हुए कामों में गति आएंगी। परिणाम आपको संतोषजनक आज के दिन प्राप्त होने वाले हैं। आपको साहित्य की ओर आकर्षित होंगे। जो लोग इन क्षेत्रों से जुड़े हैं उन्हें अपने कामों के लिए सहारना मिलेंगी, उनकी छवि बढ़ेंगी। आपको लाभकारी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। आय के नए स्रोत भी आपके सामने उभर कर आएंगे। मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि इस समय आप अपने कार्यशैली में कुछ अलग और काफ़ी अच्छे ख्यालों से अपने कामकाज को बढ़ा सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि इस समय आप अपनी कार्यशैली में नया प्रयोग कर सकते हैं। आपके कार्यों को प्रशंसा मिलेगी, आपके काम सफल होंगे, किंतु आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। कुछ अनावश्यक खर्चे भी सामने आ सकते हैं। मित्रों आज आप धर्म या समाज से जुड़ा कोई कार्य कर सकते हैं। सप्ताह के मध्य भाग में बेकार की यात्राओं से बचें और घर परिवार का ख्याल रखें। स्त्री वर्ग का पूर्ण सहयोग आपको मिलने वाला है।
आज आपको व्यापार में अच्छे परिणाम मिलेंगे। अतिरिक्त प्रयास करने पर ही आपको सफलता मिल सकेंगी। आप महसूस कर सकते हैं स्थितियां आपके नियंत्रण में रहेंगी। पैसों की आमदनी भी काफ़ी अच्छी रहने वाली हैं। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि इस समय आप काफ़ी अच्छे और सकारात्मक रणनीति के साथ कार्यों को कर सकते हैं। आपके द्वारा बनाई गई योजनाएं काफ़ी सफल रहेंगी। आपको काफ़ी अच्छे और काफ़ी सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति हो सकेंगी। मित्रों, आज का दिन आपके लिए काफ़ी जोखिम भरे उपक्रमों से बचने की सलाह दे रहा है। स्वास्थ्य के मामलों में अतिरिक्त प्रयास और सावधानी बरतने की जरूरत है। इस बात से अवगत रहें कि आज आप क्या खाते हैं। आप अपनी दिनचर्या सुनिश्चित करें। जीवन साथी की मदद से आपके जीवन में चल रही समस्याएं खत्म हो सकेंगी। गलतफहमी और लगातार असहमति परिवार के माहौल को निराशाजनक बना सकती है। यह चिंताओं का एक स्रोत हो सकता है। आपको तनाव की स्थिति में रहना पड़ सकता है। आपका कार्यस्थल पर सहकर्मी और अधीनस्थों से टकराव होने का खतरा है, अतः सावधान रहें। वित्तीय व्यवहार और निवेश के संदर्भ में अधिक सतर्क और सावधान रहें, क्योंकि दिन काफ़ी अनुकूल लग रहा है। मित्रों, आज अनुसंधान क्षेत्र से संबंधित लोगों को अपने शुभ भविष्य हेतु आपकी योजनाओं पर विचार करने चाहिए। प्रेम संबंधों में लुप्त जातक अपने साथी की भावनाओं को पूर्ण रूप से महसूस कर सकेंगे। नौकरी चाहने वालों को सफल होने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने पड़ सकते हैं। मित्रों, आपका दिन बेहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो, जय मां विद्याश्री। मित्रों, जय माता दी। मित्रों, आज 23 जनवरी गुरुवार का दिन है। ऐसे में तुला राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, आपको बताएंगे। आपके व्यापार, करियर, उनसे जुड़े बहुत सारे ऐसे पहलुओं के बारे में जो कि आपके आने वाले दिनों को बेहतर बनाने में काफ़ी लाभकारी सिद्ध होंगे। मित्रों, आज आप कौन से क्षेत्रों में कार्य करें जिनसे कि आपको ज़्यादा सफलता, आपके मान सम्मान, स्कृति में वृद्धि हो सके। आप अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सको, इसके लिए आज आप क्या करें, क्या ना करें, क्या कहते हैं आपके सितारे। आपका लकी कलर, लकी नंबर कौन सा रहने वाला है, मित्रों आपको बताएंगे। सारी जानकारी विस्तार से वीडियो को आखिर तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। मित्रों, आज तुला राशि वाले जातकों को बताना चाहूँगा कि आपको आज के दिन कई वित्तीय फायदे हो सकते हैं। आप असीम दौलत के मालिक बन सकते हैं, आय के नए स्रोत बनेंगे। व्यवसायिक संदर्भ में समय आपका काफ़ी अच्छा है, परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे। आपके निजी जिंदगी में भी सब कुछ बढ़िया रहेगा, परिवार और जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि इस समय आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ अलग और सकारात्मक परिणामों की दिशा में गति कर सकते हैं। आज आपकी इच्छाएं पूरी होंगे। व्यावसायिक संदर्भ में महत्वाकांक्षाएं, योजनाओं की शुरुआत की जा सकती है। अगर आप उच्च अध्ययन या नौकरी के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो आप निराश नहीं होंगे। आपकी कामयाबी में वृद्धि होंगे, नए संपर्क स्थापित होंगे। आज आप कुछ प्रभावशाली लोगों से मिल सकोगे। यदि आपका पैतृक संपत्ति के संदर्भ में कोई मामला रुका हुआ था या फिर लंबित है तो यह आपके पक्ष में तय किया जाएगा। परिवार में शुभ समाचारों की प्राप्ति होंगे और उत्सव जैसा माहौल हो सकता है। प्रेम संबंध आपके मजबूत रहने वाले हैं। आज का दिन प्रेम संबंधों के लिए काफ़ी अनुकूल रहेगा। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वालों के लिए आज का दिन काफ़ी मिला जुला परिणामदायक रहेगा। कार्यों में आपको बताना चाहेंगे कि कुछ अनावश्यक तनाव भी उत्पन्न हो सकते हैं, जिसके कारण आपका मन थोड़ा विचलित हो सकता है। किसी भी प्रकार के व्यापारिक निर्णय जिसमें आर्थिक जोखिम शामिल हो उसके लिए समय उपयुक्त नहीं है। आपको बताना चाहेंगे कि आप इस समय अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर और सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकोगे। प्यार करने वालों के लिए समय काफ़ी सहयोगी रहेंगे। पारिवारिक जीवन में भी समय काफ़ी अनुकूल है। आपको आज के दिन किसी ऐसे प्रोजेक्ट से अप्रत्याशित लाभ मिलेगा जो आपके दिल के करीब है। आपकी वित्तीय स्थिति में भी सुधार संभव है। ऋण पर दिए गए पैसे भी आप जल्द ही वसूल कर सकोगे।
उच्च अध्ययन के लिए प्रयासरत छात्रों को वांछित परिणाम मिलेंगे, बशर्ते वे अपने प्रयास कड़ी मेहनत के साथ जारी रखें। व्यापारी कुछ सकारात्मक निर्णय ले सकेंगे। यदि आपके पास कुछ विदेशी संपर्क हैं तो ऐसे मजबूत संकेत हैं कि यात्राएं कर सकते हैं। आपके द्वारा की गई यात्राएं आज सफल रहने वाली हैं। पारिवारिक जीवन आपका शुभ रहेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ आनंदमय समय को बिता सकते हैं। आज का दिन आपके लिए काफ़ी उपलब्धियों वाला रहेगा। आप अपनी महत्वाकांक्षाएं योजनाओं को अंतिम रूप देने में काफ़ी सक्षम रहेंगे। मित्रों, आज आपको बताना चाहेंगे कि रुके हुए कामों में गति आएंगी। परिणाम आपको संतोषजनक आज के दिन प्राप्त होने वाले हैं। आपको साहित्य की ओर आकर्षित होंगे। जो लोग इन क्षेत्रों से जुड़े हैं उन्हें अपने कामों के लिए सहारना मिलेंगी, उनकी छवि बढ़ेंगी। आपको लाभकारी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। आय के नए स्रोत भी आपके सामने उभर कर आएंगे। मित्रों।